व्यक्ति का नाम जिंदगी है। पर इस चलते सफर में कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर आते हैं जो याद बन जाते हैं। ठीक इसी तरह चुहाना था ये 2 महीनों का सफर, पर लगता है बीत ऐसे गया जैसे आप फायर के हम पर। ठीक उस डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठना कभी खुशी से तो कभी मजबूर मन से, या कभी डर के बैठना के हर चर के आग मन से। कबीर सर भी हमारे मोटिवेशन की थे कि हर चर भी मानो जैसे साक्षात बिग बी थे। हर एक कठिन समस्या का हल इन लोगों के पास था, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा ज्यादा हमें इन पर ही विश्वास था। बीच में वो छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक मिलना बैक बेंचर के लिए था जैसे प्यासे को पानी मिलना। उस 4 दीवारी की एडवांस लेवल में जिंदगी का लगभग हर रंग था, किसी से टीचर तो कोई टीचर से तंग था। 27 बच्चों की कक्षा में सबकी अपनी पहचान थी, आगे अब मैं बताऊंगा उनमें किसकी कैसी छान थी। पहला नंबर साहिल, उसका नाम है, स्टडीज में कुचल है काफी इसलिए उसका नाम ही उसकी पहचान है। उज्जवल हमारा नेक मॉनिटर लेखा जोखा रखता था हर बच्चे का सारा, पूरा दिन करता था यही काम, पता नहीं थकता नहीं था बेचारा। हंसिका और मोनालिका की यारी बड़ी निराली थी, एक देती ऑर्डर दूसरा उसे पूरा करने वाली थी। आकिफ और क्या कचा ने छुट्टियों का रिकॉर्ड बनाया था, जब होता स्पीकिंग सेशन दोनों भाई बहनों ने छुट्टियों से धमाल मचाया था। आकांक्षा खुशी और तन्नु थी ब्यूटीफुल लेडी, तीनों ने क्या ही भाई एक बार सुन लो। आकांक्षा खुशी और तन्नु थी ब्यूटीफुल लेडी, तीनों ने क्या ही प्यार बरपाया था। सिमरन छवि और प्रेरणा बड़ी हेल्पफुल थी, इन्होंने सबसे ज्यादा अटेंडेंस का कीर्तिमान कमाया था। सब का आएगा बहुत अच्छा, आज का माहौल लाइट बनाता था, पर एक बात तो तय है ओवर एक्टिंग बहुत करता था। वीरेन तीर्थ और सक्षम थे तो गुड बॉय, पर अभिमान जरा नहीं करते थे, अपने आदर्श व मूल्यों का सम्मान बड़ा ही करते थे। सुधा और विक्की मानो ईद के ऐसे चांद थे, अरे हाँ 2 महीनों में शायद ये चंद दिन के मेहमान थे। अमन था एक सीधा बालक, गाय का पर्याय था, प्रिंस भी थोड़ा नटखट था पर नेचर उसका छाए था। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अब हमारे ट्रू बैक बेंचर्स की बारी आ गई। कुछ भी कहो 2 महीनों में इन 7 लोगों की यारी एकदम छा गई। भार अभिजीत और विवेक यादव अपने ग्रुप के भीतर ही वाचाल थे, भार चुप्पी छा देते थे, बंदे बड़े कमाल थे। आशीष का तो अपना भाई अलग रॉयल मिजाज था, राजनीति था उसका विषय तथा उसे अपने वालिद पर नाज था। निश्चित माई बेंच मेट ही इज लाइक अ राइजिंग स्टार, बट वन थिंग आई मस्ट से, थोड़ा बोल लिया कर यार।
व्हाट्सएप की मीडिया पर मेरे मैसेजेस का लगा है बाजार। मैं तो भेज देता था हर काम, दिव्यांश ने तो एक मैसेज भेजने में लगाए थे दिन चार। वैभव और आकाश शायद बड़ी दूर से आते थे स्पीकिंग सेशन, शायद इन्होंने देखी हो क्योंकि अक्सर लेट खुद को पाते थे। ये मेरी क्लास का हर एक रंग था जो 2 महीने एक दूसरे के संग था। ये सब मेरे पर्सनल विचार थे, मेरा किसी से कोई डर नहीं। कहीं यहाँ से उतरते ही ये मत कहना आज आप तेरी खैर नहीं।